किसी भी शहर का स्वाद से पुराना नाता होता है और हर शहर का एक अलग स्वाद होता है। यही कारण है कि किसी भी शहर को समझना हो तो वहाँ के स्ट्रीट फूड और व्यंजनों से समझा जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रीट फूड और व्यंजनों से ही शहर की पहचान छिपी होती है। आज हम बात कर रहे हैं खंडवा की कड़कदार जलेबी की। कहने के लिए तो मध्य प्रदेश के खंडवा में भी खाने पीने और स्वाद के दीवानों के लिए बहुत कुछ है। बात चाहे निमाड़ी लजीज व्यंजनों की हो या स्पेशल मिठाई की, लेकिन इन दिनों खंडवा में हरियाणा की जलेबी खूब सुर्खियां बटोर रही है। राजस्थान के मूल निवासी नरेश जयपाल और उनके रिश्तेदार खंडवा में गर्मा गर्म जलेबी की स्टॉल लगाते हैं। यहाँ जलेबी का स्वाद चखने दूर दूर से लोग आते हैं। पतली कड़कदार जलेबी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। नरेश बताते हैं कि उन्होंने जलेबी बनाने की कला हरियाणा में अपने गुरु से सीखी थी। बनती है कैसे, क्या बनाते हैं उसे आप? बस जलेबी बनाते हैं मैदे से, और मैदे से बनाते हैं और चाशनी बनाते हैं शक्कर की, और उसी में फिर घी में भूनते हैं। घी में भून के चाशनी में डुबोते हैं। चाशनी में डुबोने के बाद ये प्रेम मिलता है लोगों का, बहुत बढ़िया टेस्ट बनता है जलेबी का। हरियाणा जलेबी इसको क्यों बोलते हैं, हरियाणा की जलेबी? हरियाणा जलेबी इसलिए बोलते हैं, जब हमारा हरियाणा के जलेबी ग्रुप हरियाणा से स्टार्ट हुआ था और गुरु हमारा हरियाणा का ही है, और इसीलिए हम हरियाणा के जलेबी स्पेशली शॉप खोलते हैं, वहीं पे भी हरियाणा स्पेशल लगा के भी खोलते हैं। यहाँ की जो जलेबी है और हरियाणा की जलेबी में ऐसा क्या अंतर है जो लोग इसे इतना पसंद करते हैं? वो सब लोगों का प्रेम है, और बस जलेबी हमारा हाथ का भी टेस्ट है, और हमारे बुजुर्ग लोग भी बने ऐसा ही स्टार्टिंग यही धंधा करते थे और हम भी यही धंधा कर रहे हैं पीछे जब से स्टार्ट हुआ जब से। ये हरियाणा जलेबी के स्टॉल और कहाँ कहाँ है मध्य प्रदेश के अलावा? ऐसा बोलो तो बहुत ऑल इंडिया में है, ऐसा तो ऐसा नहीं है कहाँ नहीं है। बोलो तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो है बेंगलोर हैदराबाद से भी जलेबी, वहाँ से स्टार्ट हुई थी हरियाणा से, और अभी तो ऑल इंडिया में है, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा यहाँ पे भी नहीं है। आप यहाँ कितने सालों से जलेबी? यहाँ पे मेरे को 8-9 साल हो गए हैं। अच्छा, और